पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कबूल किया है कि जैश ए मोहम्मद का प्रमुख मौलाना मसूद अजहर आतंकवादी है और उसने पाकिस्तान में भी कई बम धमाकों को अंजाम दिया है। हालांकि मुशर्रफ ने साफ जवाब नहीं दिया कि पाकिस्तान क्यों चीन से अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए नहीं कह रहा। मुशर्रफ ने एक टीवी चैनल से कहा कि चीन को क्यों शामिल किया जाए जब उसका अजहर से कुछ मतलब ही नहीं है। अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लंबित है, लेकिन चीन इसमें यह दावा करते हुए आया है कि उसे आतंकवादी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। मुशर्रफ ने पाकिस्तान सरकार के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कूटनीतिक नाकामी को स्वीकार किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को हल्के में लेना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि पाकिस्तान की प्रगति के लिए राजनीतिक नेतृत्व उपयुक्त है या सेना, मुशर्रफ ने कहा कि सेना जब सत्ता में रही है देश में विकास हुआ है। अब चीन क्या कहेगा? अभी तक तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन यह कहता आया है कि अजहर को आतंकी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन यहाँ तो खुद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति खुलेआम कह रहे हैं कि मसूद अजहर आतंकी है। क्या चीन अब अपने रुख में बदलाव करेगा? देखते रहिए डीबी लाइव।